केवल जो शिक्षा के 8 श्लोकों ने उन्होंने सर्वतम तक आरंभ कर दिया, जिसका हम क्या कहते हैं शिक्षा स्तर, और वही शिक्षा स्तर की सार अनुसरण करके सब कुछ जो सार ये है। फिर भक्ति विनोद, आप इंडिया में विशेष करके बंगाल में जाना, आयुर्वेदिक जो केमिकल है, मैंने क्या बोलते हैं दवाई की जो दुकान है, फार्मेसी, वहीं पर कर्णम जी दशमल रिस्ट पूछ लिया, दशमला रिस्ट देने से आपको ऐसे ही दवाई देगा जिससे सब प्रकार की बीमारी आपको ठीक हो जाएगी, सर्दी जुकाम से लेकर के जितने कठिन से कठिन बीमारी है आपको ठीक हो जाएगी, उसे सब कुछ मिला करके रखा है। ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर हमारे सारी पूर्व आचार्य की ग्रंथ की इतने निचोड़ करके निष्कर्ष करके है, जैसे मैंने बताया रूप कृष्ण के सारे ग्रंथ उज्जवल मणि भक्ति रसामृत सिंधु विदुद माधव ललित माधव जितने भी कठिन ग्रंथ है सारे ग्रंथ कृष्ण संदर्भ भागवत संदर्भ भगवत संदर्भ और प्रति संदर्भ ये 6 संदर्भ की भी उन्होंने निष्कर्ष निचोड़े। जितने भी नियत की सनातन गोस्वामी वेद भगवत अमृत ग्रंथ जिस ग्रंथ की आधार पर समस्त गोस्वामी लोग ग्रंथ रचना की, यह तो भी रूप गोस्वामी पाद जितने भी ग्रंथ रचना की उस सभी आधार किस पर है, सनातन गोस्वामी वेद भगवत ग्रंथ के ऊपर है। वेद भगवत ऐसे अनूठा ग्रंथ है समस्त तत्व की सार उसमें है, और वही समस्त बृहद सनातन गोस्वामी की ग्रंथ की भी निष्कर्ष करके रूप गोस्वामी ग्रंथ सनातन गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद ग्रंथ जितने पूर्व आचार्य हो चुके हैं भक्तिमान ठाकुर के कहे है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत गोविंद लीलामृत विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जो ग्रंथ जो है सारी ग्रंथ के निष्कर्ष करके उन्होंने क्या कि ये जैवधर्म ग्रंथ में रख दिया है, और उस जैवधर्म ग्रंथ में इसी श्लोक के उन्होंने प्रकाश इसके कहा है दशमुल तत्व कहा है। इस श्लोक के यदि कोई याद कर ले उसको सब ठीक है, बोले अभी याद करो गुरुदेव कहते थे बोले पहले तो याद तो करो श्लोक याद करो तुम्हें कुछ बाद में आएगी कम में आएगा, हो सकता है श्लोक के अर्थ पहली पहली बार समझ में नहीं आएगा है? नहीं आ जाएगा कोई भी बात नहीं, श्लोक याद कर लो याद करते रहो है, तोते के भांति याद करो है, ये भी कम नहीं है श्लोक याद करना, ये कम नहीं है, है? श्लोक याद, इसलिए हम देखा गुरुदेव के क्लास में हम जो बैठते थे ना गुरुदेव हर रोज हम लोग 5-6-7 श्लोक देते थे याद करने से, फिर दूसरे दिन गुरुदेव पूछते थे नहीं तो खड़े हो जाओ है खड़े हो जाओ जो सब कान पकड़ो, ऐसे गुरुदेव के बहुत कठिन नियम तब से मथुरा में, मैं देखा कितने सौ PhD डॉक्टर सब आ गया गुरुदेव से मथुरा में रहने के लिए, और दो एक दिन जब डांट फटकाने लगे ना सब मंगल आरती के बाद देखा तो बिस्तरा है ही नहीं, वो दो मंजिल से बिस्तर वो पार करा दिया तो चले गए, मैंने देखा जी मैंने कितना हजार आए कितना चले गए, क्योंकि गुरुदेव जी ऐसे नहीं होते, गुरुदेव कहते थे जो श्लोक याद करो और फिर धीरे धीरे विश्लेषण करोगे जब पढ़ोगे तो जीवन में तुम्हारे काम में आएगा, जैसे अभी पहले अमना प्राव तत्तम परम सर्वशक्ति साधि तद भिन्नांग संस्थ जीवान प्रति कवलिता तत्विस्तांश भाव भेदा भेद प्रकाश सकलों की हरि साधन शुद्ध भक्ति साधन तत्प्रति ये उपदिशति
जनान गौरचंद्र सहनशाह, सब लोग याद करना। कौन कौन याद किया है, किसी को याद, किसके याद है? अब विदेशी के तो दो चार है, इंडियन में कौन याद है? आप लोग याद किया कोई? स्वाती को याद है, स्वाती के सुदेवी की याद है, भूल जाएगी सर? भूल याद करो आप, ये याद करना है। कथा सुनने की तात्पर्य यही है, नित्य श्रोता उसी की माना जाता है जो पढ़ता है, नहीं तो आयाराम और आयाराम ग्याराम मत बनो, सुनो और याद करो। अच्छा है यदि कल तुम्हारा याद नहीं होती है, कोई भी बात नहीं, अर्थ समझा दो। और क्यों याद नहीं, बार बार पढ़ो, ये श्लोक याद करना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ो। गुरुदेव कहते थे, बोले पत्थर के ऊपर एक बार रेखा खींचने से नहीं आता है, क्या करना पड़ता है? बार 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 वो लेकर घिसो, देखो पत्थर पर लकड़ी आ गई, दाग आ गया। ठीक उसी प्रकार बार बार पढ़ो, धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, फिर धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, संविदा उत्सव है, याद करो बार बार बार। इसलिए इस श्लोक के गुरुदेव कहते थे इसको याद करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। शास्त्र की कुछ ज्ञान होनी चाहिए, नहीं तो मध्यम अधिकारी कैसे बनोगे? मध्यम अधिकारी की एक लक्षण होता है शास्त्र ज्ञानी, ज्ञान उसको हो जाता है और धीरे धीरे वो अनुभव करते रहते हैं, फिर उत्तम अधिकारी बनते हैं। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रम त्रहत्य भक्त वैभव उत्तम, जिसकी कोमल श्रद्धा है उसके कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। मध्यम अधिकारी जो शास्त्र ज्ञान के लिए विचार करके स्थापन करते हैं, युक्ति स्थापन आदि करते हैं, और उत्तम अधिकारी में जो कहते हैं लीला स्मरण भाव में डूब जाते हैं, वो हमारे अभी काम का नहीं है। उत्तम अधिकारी अभी बनने के लिए प्रयास मत करो, सहाया बन जाओगे। अभी मध्यम अधिकारी तो कैसे प्राप्ति करें? शास्त्र अध्ययन विचार को, शास्त्रीय विचार के लिए स्थापन करो युक्ति के द्वारा। शिव भक्तिमान ठाकुर से कहते जा रहे हैं, यही जो गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी, वेद वाणी तो सब ठीक है, जैसे गीता भागवत आदि ये सब हमारे ग्रंथ है, किंतु इसमें भी अनेक शब्द जो है, क्योंकि मायावाद शब्द जैसे लगेगा, मायावाद शब्द लगेगा, किंतु उसी अर्थ की हमारे पूर्व आचार्य की विचारों के द्वारा उसको स्थापित करना पड़ेगा। जैसे एक शब्द मैं बताता हूं, गोपियां एक कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए, रास से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पने लगे, कृष्ण के अन्वेषण खोज करने लगे, ढूंढने लगे, और कृष्ण की अन्वेषण करते करते कृष्ण में इतने तन्मय प्राप्त हो गया, क्योंकि जिस वस्तु में हम अभिष्ट हो जाता है उस वस्तु में की क्या दशा हुई, महाभाव की दशा। तो कभी एक एक वृक्ष के पूछने लगे, क्या कभी हमारे प्राण गोविंद के दर्शन किया? क्या है शब्द, क्या है? पुरुष जाति है, ये पुरुष के हृदय अतीब कठोर होता है, स्त्री के हृदय जानती नहीं है, स्त्री पुरुष के हृदय जान लेगी, जान लेगी, समझ जाती है, किंतु पुरुष कभी स्त्री के हृदय ना समझ सकता, ना जान सकता है। ये भी कठिन विषय है, राधा जी साइन कर रही है, कृष्ण तुम पुरुष हो, तुम अब मैं स्त्री हूं, किंतु तुम कभी स्त्री के हृदय को नहीं जान सकते, किंतु स्त्री पुरुष के हृदय जान लेते। तो गोपियां उसी प्रकार की कहानी है, ये वृक्ष तुम पुरुष जाति हो, पुरुष जाति की हृदय अति कठोर होता है, स्त्री के हृदय कैसे हृदय कोमल होता है, इसलिए कृष्ण की विरह में हम लोग की जो दुख है वो दुख तुम्हें अनुभव नहीं है, तुम्हें दुख के अनुभव नहीं है,
इसलिए तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, और उत्तर नहीं दिया तो नहीं और भी क्या कर रहे हो, सखाओं के जो ऐसे कर जाओ। जैसे एक दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति धनी के घर में भिक्षा के लिए जाते हैं, धनी दरिद्र के दुख के समझ में नहीं समझते है। उनके हृदय में कितना पीड़ा है, कितना दुख है वो नहीं जानते, तथापि दरिद्र व्यक्ति के एक आशा रहता है, ये विशाल धनी व्यक्ति है, 10 मंजिल है, तो इसके पास जाऊं तो मुझे जितना धन मिल जाएगा मेरा दरिद्र नाश हो जाएगा, माने मेरा दुख नाश हो जाएगा। किंतु वो धनी व्यक्ति दरिद्र की दुख नहीं जानते हैं, ना उसको धन देता है ना कुछ करता है। ठीक उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं, ये वृक्ष पुरुष जाते हैं, ये हमारे दुख नहीं जानते, इसलिए ये सखाओं के द्वारा अरे जाओ जाओ जाओ, देखो नहीं, देखो भी उत्तर नहीं दिया। फिर आगे की जाकर के गोपियों की ऐसे महाभाव की स्थिति हुई, गोपियों ने किया कि कृष्ण के सारे लीलाओं के जो है अनुकरण करने लगे, भागवत में आ रहे हैं। कोई कभी कहने लगे देखो मैं कृष्ण हूं, कोई कभी कहने मैं गिरिराज गोवर्धन हूं, तो एक गोपी दूसरे गोपी को क्या करने लगी, उठाने लगी, क्या उठा रही है, गिरिराज गोवर्धन को उठा रहे हैं, कृष्ण लगे सारी लीला जो अनुकरण करने लगी। कोई कभी कहने लगी ये देखो आज पुतना पद लीला, पुतना मैं कृष्ण हूं, मैं तुम्हारे स्तन पान करता हूं। यहां पर भी प्रश्न हो जाता है, कोई गोपी पुतना नहीं बनना नहीं चाहती है, कृष्ण की लीला तो अनुकरण करते, ड्रामा तो होती चलती जा रही, मन कौन कौन पुतना बध करे, भक्ति की अनुकूलता नहीं होता है, एक अनुकूलता होता है, प्रतिकूलता नहीं होता है। इस समय इस जगत में कोई ड्रामा बन जाए, चलो वो जोटीला कौन बनेगा, वही एक लड़के को तो हम जोटीला बनते, किंतु उस जगत में कृष्ण लीला की जो अनुकरण होगा कोई पुतला नहीं बनेगी, कोई जोटीला नहीं बनेगी, कुटीला नहीं बनेगी, कृष्ण के कैसे मरेंगे। इसलिए उस समय क्या करते हैं, स्वयं जोग माया क्या बन जाती है, पुतना बन जाती है, और वही गोपी कृष्ण बन जाते, मन कृष्ण तो बनते कृष्ण के भाव है, और उसी लीला को कृष्ण पुतना वध की लीला करते रहते। यहां पर कोई मायावादी लोग क्या करते हैं, देखो गोपियां क्या बन गई, कृष्ण बन गई, तो जीव गोपियां जीव है, जीव क्या हो गया, ब्रह्म बन गया। मायावादी लोग इसको उदाहरण देते हैं, किंतु इसको कहा अचातवाद वैष्णव के इसी लीला को जो है क्या कहते हैं, इसके प्रेम राज्य की एक लीला नामक अनुभव अनुभव कहा जाता है, अनुभव संचार भाव आदि आकर के प्रेम के स्फीत करा देगा, प्रेम राज्य को। इसलिए मैं इसलिए कर कृष्ण भागवत में कुछ श्लोक ऐसे लगेगा पढ़ने से, यदि अकेला पढ़ो ऐसे लगेगा इसमें मायावाद भरा हुआ, जैसे उसमें लिखा है जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्र में सम्मिलित होकर के अपने रूप को हरा देते हैं, उसी प्रकार सभी जीव एकत्रित होकर के अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, स्वरूप के भूल जाना है, एकत्रित एक हो जाना है, तो उसे मतलब क्या है, जीव ब्रह्म में, यदि समुद्र भी ब्रह्म के माना जाए, ब्रह्म की समुद्र माना जाए, जीव के यदि नदी माना जाए, तो सारे नदियां आकर के जैसे समुद्र में आकर के एकत्रित हो गया, और शरीर उस समय नदी के कोई नाम गंध नहीं रहता, यथा मद निवेशनम निमग्ना समुद्रा, जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्र में निमग्न होकर के अपने सब के भूल जाती है, उसी प्रकार प्रेम राज्य में गोपियां अपने अपने सब के भूल जाती है। तो इसके क्या मायावाद आ गए, मायावादी लोग कहते हैं जीव ब्रह्म हो जाता है, किंतु ये अर्थ नहीं, यदि उसमें भी विचार भी करें
नदियां समुद्र में मिलती है ठीक है, किंतु नदी में मिलने पर भी अपने स्वरूप अपने क्रिया आदि उसमें विद्यमान रहता है। जिस प्रकार पक्षी वन में जाकर के समाहित हो जाता है, इसके मतलब नहीं है पक्षी वन वन बन गया, जंगल हो गया, वन में अंदर अंदर में आ जाए उसे हमारे आंख से उझल जाता है, हम देख नहीं पाते। उसी प्रकार सारे नदियां समुद्र में मिलने पर भी उनके रूप उनकी क्रिया आदि में पर रहता है। विज्ञान भी आज तक देखते हैं, एक एक लोटा गंगा की जल लिया हरिद्वार से है, हरिद्वार से एक लोटा गंगा जल लिया है, और अपने यहां पर तालाब से एक गंगा जल एक लोटा लाओ, दोनों के मिला तो आपके पता नहीं चलेगा इसमें कौन सा गंगा जल है कौन सा तालाब के जल। किंतु तथापि विज्ञान भी देखते हैं जल की कण कण में, जब गंगा की जल और तालाब की जो साधारण जल में उसमें वैशिष्ट्य दिखाई पड़ता रहता है। विज्ञान की भाषा में भी देखते हैं, विज्ञान भी इसको देखा, क्योंकि वो अपराकृत जल है, कौन सा जल, गंगा जल है। तुम्हारे घर के पास जो है वो तालाब की जल वो प्राकृतिक जल है, ये प्राकृतिक जल अप्राकृतिक जल में मिलता नहीं है। हम तो ऊपर से देख रहे हैं गंगा जल और एक दोनों तो एक ही हो गया, जल जलती है, किंतु जल एक ही देखने पर भी किंतु अप्राकृतिक गंगा जल है। और भी इसमें भी विज्ञान के भाषा के अनुसार देखो, आप साधारण जल कुछ दिन रख दो उसमें कीड़ा लग जाएगा, क्योंकि गंगा के जल, गंगा जल हरिद्वार से निर्मल गंगा जल रखो 100 साल तक रख दो तो भी उसमें कीड़ा नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है, बहुत लोगों ने हम देखा है। किंतु साधारण जल कुछ दिन रखो देखो उसमें कीड़ा पड़ जाएगा, अपराकृत वस्तु और प्राकृत वस्तु में एक भेद होता है। ठीक उसी प्रकार शास्त्रीय विचार जो है कैसे अध्ययन करना चाहिए, गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी उसी की जो है अध्ययन अध्ययन करना पड़ता है, उसी की जो है गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अनुभव धीरे धीरे हो जाता है। इसलिए कहता है आमना प्राह गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी, क्योंकि वेदों में बहुत शब्द लिखा है, वेद ऐसे विचित्र ग्रंथ है जिसमें सभी के लिए सब कुछ लिखा गया है। जैसे जैसे अधिकारी व्यक्ति होते उस अधिकारी व्यक्ति के उसी प्रकार उपदेश दिया जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं किसी के बुद्धि के भेद मत करो, न बुद्धि भेदे सुजन, किसी के बुद्धि के भेद मत करो, जो जिस अधिकार है उस अधिकार में उसको रखो। और फिर वो अपने अपने अध्ययन करते करते जब निम्न अधिकार से जब उच्च अधिकार में चले जाते हैं तब अपने आप वो भूल अपने आप जो समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वेद वाणी, वेद में जो कुछ भी लिखा गया वेद में तीन, इसलिए भगवान गीता में क्या त्रिगुणा विषा वेद नुण भवा अर्जुन, हे अर्जुन वेदों में कहीं की शब्द जो है त्रिगुण में कथा भी लिखा गया, वेदों में कर्मकांड की कथा है, ज्ञान कांड की कथा है और भक्ति कांड की कथा है। वेदों में विवाह आदि से लेकर के अनेक प्रकार की जो कथा थी उसमें लिख गया, जैसे जैसे अधिकारी मिलते अधिकार अधिकारी को उसको दे दिया, फिर वही करते करते जब फिर उच्च अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और निम्न अधिकार को छोड़ देते हैं, उच्च अधिकार वस्तु के प्राप्ति करने से निम्न अधिकार को वो अपने अपने छोड़ देते हैं। जैसे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, एक क्लास की पढ़ा वर्णमाला पढ़ लिया, फिर क्या करो उसको छोड़ करके आगे पढ़ो है,
ठीक उसी प्रकार वेदों में उसी प्रकार भी रखा गया, शिष्य अधिकारी जानिष्ठा सात गुणों परिकर्तिता, जो जिस प्रकार अधिकारी व्यक्ति है उस अधिकार को उसके गुण कहा जाता है, शिष्य अधिकारी जिसका सात गुणों परिकर्तिता उसी गुण कहा जाता है। किंतु वास्तव विचार जो हम करेंगे, शास्त्रीय विचार करेंगे, वो शास्त्रीय विचार किसके ऊपर स्थापित होगा? एक अमना अपने अपने सांप्रदायिक गुरु के विचार के ऊपर ही स्थापित हुआ है। वैष्णव संप्रदाय है, कितने संप्रदाय है? चार संप्रदाय है, ये सब वैष्णव है। श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति खिति पावना है, चार वैष्णव संप्रदाय, सभी की मत एक होते हुए पर भी भिन्न है, सभी की मत एक होते हुए पर भी भिन्न है। सभी की मत एक क्या है? सभी लोग ने विष्णु की परम तत्व माना, सभी लोग ने क्या माना? विष्णु की परम तत्व माना। रामानुज संप्रदाय से लेकर के श्री ब्रह्म रुद्र सनक सभी विष्णु की परम तत्व माना, किंतु उपासना और उपास्य के अनुसार भिन्न है। देखो समझ में आ रहे वैसा, सभी एक होते हुए पर भी भिन्न, एक क्या है? सभी भगवान विष्णु की ही परतत्व माना है, हरि ही परम तत्त्वम, हरि ही परम तत्त्व, सब विष्णु, सब विष्णु श्री ब्रह्म रुद्र सनक है, श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार संप्रदाय। सभी संप्रदाय के आचार्य ने हरि यानी विष्णु की ही परतत्व माना है, किंतु उपासना उपस्थ के तात्मिक रूप से भेद दिखाई पड़ता है। जैसे श्री संप्रदाय की उपासना क्या है? उपास तत्व क्या है? लक्ष्मी नारायण है कि नहीं? महाप्रभु की धारा में हम लोग आए, हम लोग उपास देवता राधा कृष्ण है, उपासना की देखो मंत्र भी अलग हो जाता है, भावना भी अलग होता है। वो लोग दास भाव से ऐश्वर्य मिश्रित, दास भाव में श्री संप्रदाय के लोग ऐश्वर्य मिश्रित ये भगवान है, और दास में भावना रख के करते, और हम लोग के क्या है? राधा कृष्ण माधुर्य रूप रूप में है, उनकी उपासना होती है, भक्ति के सर्वश्रेष्ठ जो है भावना रखते हैं। सैम रमारोवणम सुंदरता बलिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस श्यामस्त वामवद्ध कदा ब्रह्म, इसमें लिखते जा रहे कितना सुंदर भावों की व्यक्ति हो जाए भाव की, और उसमें दास भाव से हाथ जोड़ करके गुरुर की भांति पांच मीटर दूर से, और दूर से उस तप शुद्धि करते हैं। ओम संताकार इस श्लोक के द्वारा भुजगम भुजगसम इसके श्लोक स्तुति करते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे नहीं सुंदर रूप में बन गए कुस्तुरी तिलक ललाट पकड़ी बस बखस्तरे पुस्तवम ना सागरे वर मुक्ति कंकर तुल करी कंकनम सर्वांग हरिचंदन श्लोक कंकम तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजय दे गोपाल चूड़ामणि। देखो भावना कितने सुंदर होती है, तो उपासना और उपास्य उपासना के अनुसार भी हम लोग भेद देखते हैं। इसलिए कहते हैं भेद होते हुए भी अभेद होते हुए भी भेदत्व दिखाई देता है, तो इसी की कहा जाता है रामानुज संप्रदाय और गौड़ीय वैष्णव की संप्रदाय, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय की विचार भावना उपास्य देव उपासना दी के अनुसार कर। ये उपासना की कहां से होगा? नाम आचार्य पाद पूर्व पूर्व आचार्य जैसे रूप गोस्वामी पाद की सुंदर विचार धरा है, ये महाप्रभु की अवदान वैशिष्ट हम रचना करते हैं। महाप्रभु के पहले किसी ने मंजरी भाव की कथा नहीं बोली, बाहर के लोगों के पास मंजरी भाव का तो ये कहां से तुम लेकर गए भाई, कौन सा शास्त्र में लिखा है ये सब? यहां तक भी बहुत लोगों के आज तक भी पता नहीं है ब्रह्म संहिता कोई ग्रंथ है कि नहीं। आज तो
बहुत संप्रदाय मैंने पंडितों की भी, हम गए थे सूरीनाम में, सूरीनाम वहां पर एक पंडित जी भिड़ गए, बोले तुमने ब्रह्म संहिता की बात, ये ब्रह्म संहिता कहाँ है, किसके रचना है, ये कहां से मिले। बोले मैं सब काशी विश्वविद्यालय सब ढूंढ ढूंढ करके मैं अध्ययन कर लिया, ब्रह्म संहिता कोई नाम ही नहीं, बहुत विद्वान है सब, व्याकरण तीर्थ कितना कितना, बोले तीर्थ तीर्थ पर पूछ गए, बोले ब्रह्म संहिता कहां मिली। देखो अरे हमारे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में जब गए, दक्षिण देश से ये ब्रह्म संहिता पंचम पाठ को लेकर के आया और सब भक्तों को दिया, ये सब याद करो। किंतु आज अभी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं ना, ये ब्रह्म संहिता जानते ही नहीं, ये व्यासदेव की रुचि दे कि विद्वान हो के पर तो हमने पर उसी प्रकार लिया रहे कि हमारे गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी, और जो जो सब शास्त्र कहा गया उसी की मानना पड़ता है। पूर्व आचार्य की यथाथ सम्मान दे करके अपने गुरु परंपरा की वाणी की आत्मसात करना, ये हमारे उद्देश्य। इसे कहते हैं आमने प्राह, प्रामाणिक कहा जो गुरु परंपरा के लिए कहा गया, वेद में जो हमारे गुरु शास्त्र की तात्पर्य जो गुरु परंपरा में कहा, शंकराचार्य अहं ब्रह्मास्मि वेद में भी लिखा है, वो झूठ नहीं बोल रहे, किंतु किस परिस्थिति में किसको कहा क्या कहा इसके तात्पर्य लेना चाहिए। इसके भी सुंदर रूप में महाप्रभु ने व्याख्या की, इसमें चैतन्य चरितामृत में देखना, मेरे गुरुदेव भक्ति वेदांत 152 गोस्वामी महाराज, ये ब्रह्म क्या बोले शंकराचार्य जी के चार जो महावाक्य जो है अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञान ब्रह्म, इसके ऊपर सुंदर माधुर्य रूप में व्याख्या दे दिया मायावाद के खंडित करके, सुंदर में दिए, समय तो काल बताऊंगा इसको, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि गुरु परंपरा के वाक्य की जब तक हम आत्मसात नहीं करें तब समझ नहीं पाए। अहम ब्रह्मास्मि ये तिनाद भी स्निच तरिव सहिष्णु न अमानी न मान दे न, ये चारों वाक्यों के ऊपर गंधर्व और ये शंकराचार्य के चार महावाक्यों के ऊपर स्थापित करके दिखा दिया मेरे गुरुदेव श्रवामन गोस्वामी महाराज, इसे सुंदर रूप में लेख लिखा उसने, और पूर्व आचार्य मत को जो है सुंदर रूप में स्थापन किया, क्योंकि शंकराचार्य तो साक्षात शिव जी है, शिव जी झूठ थोड़ी बोलेंगे, झूठ नहीं बोला, किंतु किस प्रकार भावना के लेकर गए, शब्दों के किस प्रकार के व्यवहार करना है, एक ही शब्द व्यवहार की प्रणाली से उसके माधुर्य जो प्रकाश होती है, समझे, एक ही शब्द उसकी उसकी व्यवहार के ऊपर उसके माधुर्य ज्यादा प्रकाश होता है, पता है नहीं है? जो जिस प्रकार शब्द की व्यवहारिक व्यवहार करते हैं है? और उस व्यवहार के द्वारा उसकी माधुर्य ज्यादा प्रकाश होती है, समझ गए, इसी के कारण जैसे हम मां शब्द कह रहे हैं, मातृ शब्द कह रहे हैं, स्नेहमयी ममतामयी ना जी कितने कितने शब्द हम लगा देते हैं, जितने शब्द लगोगे उतना ही पर उनकी माधुर्यता सौंदर्यता प्रकाशित होता है, शब्द की व्यवहार की जो कुशलता और उसकी अर्थ आकर के एक प्रस्फुटित शब्द जात प्रस्फुटित शब्द जात, अभी अभी जो कमल जो प्रस्फुटित हुआ है शब्द जात कमल जो प्रस्फुटित हुआ जो सूर्य चंद्रमा किरण के द्वारा उसके जो परिमाण जो निकलता है सुगंधे निकालते हैं और उसके द्वारा ही भ्रमर व मधुमक्खी आकर्षित हो जाता है और फिर मधुमक्खी आकर के उस कमल की परिमाण सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु नया कोई वस्तु नहीं दिया, वही वस्तु की जो है इतने सुंदर रूप में विकसित करके दिखाया, जैसे कारण शब्द प्रस्फुटित कमल के भांति चंद्रमा की किरण के द्वारा नील कमल जो प्रस्फुटित हो जाता है विकसित हो जाता है पंख, उसी प्रकार जो है भाव की
क्रियाओं को उर्पिमान समय हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।